हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स से एडमिशन कैंसिल करवाते हो, या आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, या किसी दूसरे कोर्स में जाते हो, या फिर तो फिर आपको क्या रिफंड मिलता है या नहीं मिलता है जो फीस आपने सबमिट की है, या कितने दिन पर अगर आप कैंसिल करवाते हो एडमिशन तो मिल जाएगा, या सेल्फ फाइनेंस, रेगुलर जितने भी कोर्सेज हैं सबके लिए बताऊंगा, चाहे बीटेक हो गया या बीएससी, बीकॉम, जितने भी जामिया मिलिया इस्लामिया के सभी कोर्सेज का रूल्स, जो रूल्स रिगार्डिंग फीस है, मतलब रिफंड पॉलिसी क्या क्या है और एडमिशन कैंसिल, सारी चीज़ें बताएंगे। ऊपर ही आप देख सकते हो ये कैश मोड कैसे आप फीस दे सकते हो, ऑनलाइन कैसे, और ये सब हम सीधा रूल्स की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखो, सबसे पहला जो रूल है वो ये है, अगर किसी ने पहले किसी कोर्स में एडमिशन लिया जामिया मिलिया इस्लामिया के, सपोज बीटेक में लिया, बट वो बाद में बी आर्क में अगर उसका हो गया सिलेक्शन और अगर वो बी आर्क में जाना चाहता है तो उसके फीस का क्या होगा। तो अगर देखो, ये पहला पॉइंट यही है, फीस अगर सेम है, किसी भी कोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर बीबीए से बीकॉम में जा रहा है या किसी भी बीएससी से किसी में भी जा रहा है, तो सबसे पहले अगर उसकी फीस, दोनों कोर्स की फीस सेम है तो आपको कोई रिफंड या कुछ वैसा नहीं है, वो एडजस्ट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। बट अगर फीस अलग है तो फिर वो आपको जो है इसमें देख सकते हो, अगर डिफर करता है अगर फीस जो है, तो यहाँ पर न्यू जो आपका जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसकी फीस पे कर सकते हो, और जो पुराने जो आपने कोर्स में एडमिशन लिया था जिसमें कैंसिल करवा रहे हो उसका आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, जैसा देख सकते हो। तो जामिया की बात हो रही है इसके अंदर, अगर जामिया के अदर कोर्सेज में आपने सिलेक्शन किया तो। चलो देखो, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एडमिशन ले लिया सपोज 5th of July को, और अगर आप एक महीने के अंदर अंदर अगर अपना एडमिशन कैंसिल करवा के किसी दूसरे यूनिवर्सिटी, सपोज आप यहाँ पे जामिया में बीटेक में एडमिशन ले लिया, फिर आपको पता चला आपको किसी एनआईटी में मिल गया स्पोर्ट राउंड में सीए से भी, तो अगर आप यहाँ से एडमिशन कैंसिल करवाते हो एक महीने के अंदर, तो आपकी सारी फीस रिफंड हो जाएगी एडमिशन फीस को छोड़ के। एडमिशन फीस बहुत कम होता है, मतलब वो तो ना के बराबर ही है समझो, बहुत कम होता है। तो लगभग सारी फीस, 99% फीस आपकी रिफंड हो जाती है। बट सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम, चाहे बीटेक के जो 3 ब्रांचेस हैं वो, या फिर बीकॉम सेल्फ फाइनेंस, या बहुत सारे हैं बीएलएलबी सेल्फ फाइनेंस, उनमें 80% फीस ही रिफंड होती है, देख सकते हो यहाँ पे। तो इस बात का ध्यान देना है, 20% फी जो है, मतलब 100 में से 80, सपोज 1,00,000 फीस है तो 80,000 आपको मिलेगा वापस। बट एक चीज ध्यान देना है, एक महीने के अंदर, एक महीने के बाद का नहीं है। अब सपोज किसी का एक महीने से ज्यादा हो गया तो इसमें क्या है, देख सकते हो, सिर्फ आपको कॉशन मनी रिफंड होगा, जो कि आपको पता है कॉशन मनी बहुत कम होता है, बाकी सारी चार्जेस जो है आप कुछ भी रिफंड नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान देना है आपको। चलो, जो फोर्थ पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज किसी ने एडमिशन करवा लिया, अपना फीस भी दे दी, बट कुछ टाइम मिलता है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं, तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको थोड़ा टाइम देते हैं वो, अगर आप वो उस जो पर्टिकुलर दिया हुआ टाइम है उसमें सबमिट नहीं करते हो वो डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़, तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उस पर आपको फिर फीस नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान देना है। एडमिशन भी कैंसिल होगा तो जो भी आप अप्लाई कर रहे हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बाकी ये कुछ 5th और 6th पॉइंट देख सकते हो, ये क्लेम के ऊपर, अगर आप अपना पैसा जो है क्लेम नहीं करते हो तो वो फिर सेंट्रल स्कॉलरशिप फंड में चला जाता है, इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी ये इसके बाद के कुछ रूल्स है, जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, बाकी यहाँ पर देख सकते हो ये स्टाफ का है, मतलब जो काफ़ी सारे यहाँ पर रूल्स हैं, तो ये सारे वो बेसिक थे जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप इनको अच्छे से स्टॉप करके रीड कर सकते हो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी नीचे री एडमिशन का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको, मतलब बहुत डाउट आ रहे थे इस पर, कमेंट और मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे कि अगर हम कैंसिल, क्योंकि बीटेक का मैं स्पेशली वीडियोज बनाता हूँ, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आईपी में जाना चाहते हैं, जैसे एमएसआईटी, एमएटी, या फिर कुछ एनआईटीज में जाना चाहते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि कितना रिफंड होगा, क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, ये सब कोर्सेज के लिए अप्लाई होता है, सो इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी लगभग सारी डिटेल्स ने जो है जामिया ने अपने प्रोस्पेक्टस में दे रखी है, प्रोस्पेक्टस ही एक्चुअली, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट डाउट्स पे तो वीडियोस में लेकर आता ही हूँ डेली, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज में डेली लाता हूँ। तो और कुछ भी पूछना है बताना हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।